Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. दिल्ली स्थित चावड़ी बाजार के लाल कुआं इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। वजह यह थी कि रविवार रात को पार्किंग के चलते हुए विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। हुआ यूं कि एक समुदाय के कुछ लोगों ने पास के ही एक मंदिर पर पथराव शुरू कर दिया था, जिससे मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इस कारण से दोनों ही समुदायों में टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद अब इस मसले पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का कमेंट आया है। ओवैसी ने इस प्रकार से धार्मिक स्थल को हानि पहुंचाने की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि किसी भी पूजा स्थल पर पूजा करने वाले पर हमला हमारे प्रिय देश की बहुलता और विविधता पर हमला है। बर्बरता की यह कार्रवाई अत्यंत निंदनीय है और मैं मांग करता हूँ कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें समयबद्ध तरीके से दोषी ठहराया जाए। बता दें कि इलाके की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बुलाई गई थी, जिसके बाद यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मामले की तफ्तीश करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए दोनों समुदायों के बीच बैरिकेडिंग लगा दी है और इलाके में शिरकत करने वाले हर एक व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच सोमवार दोपहर को उस समय माहौल गर्म हो गया जब दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। दोनों पक्षों में कौन जोर से नारे लगाता है, इसको लेकर कंपटीशन चालू हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करने की कोशिश भी की। खुद सेंट्रल जिले के DSP MS रंधावा ने दोनों समुदायों के प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर बातचीत करवाई, जिससे कि मामला कूल डाउन हो जाए, पर दोनों ही पक्षों में से कोई भी समझने का नाम ही नहीं ले रहा। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तनाव अभी भी जारी है। पुलिस के साथ ही CRPF भी इलाके की निगरानी कर रही है, पर शर्म की बात यह है कि पुलिस मंदिर की क्षति पहुंचाने के मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।